लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, मेरे साथ नैनीताल विधानसभा से विधायक सरिता आर्य जी जुड़ चुके हैं। हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है, धामी सरकार का ये जो प्रस्ताव है, मैम इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है जी, तो हम लोग नैनीताल वासियों को पहले सब लोग राजधानी चाह रहे थे, राजधानी नहीं मिली, फिर माननीय उच्च न्यायालय वहां पे आया जी। माननीय उच्च न्यायालय के आप देखिए, जब हमारा यहाँ पर नैनीताल में मिनी सचिवालय हुआ करता था, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी थी जी, और उसके बाद वहां पर हमारा विकास भवन भी स्थित था जी, जिसमें आज माननीय उच्च न्यायालय है, उसको भीमताल शिफ्ट किया गया। फिर माननीय उच्च न्यायालय का स्ट्रक्चर बना, कई बिल्डिंग्स बनी और वहां पे माननीय उच्च न्यायालय बना। अब सारे नैनीताल वासी उसमें रच बस गए हैं, बिजनेसमैन हो चाहे हमारा कर्मचारी हो, सारी जनता उनसे जुड़ गई थी, हम लोग भी सब उसमें रच बस गए थे। तो एक बिजनेस भी जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाएं भी जुड़े हैं, जो उसमें कर्मचारी हैं वो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो लोकल लोग हैं जी, लेकिन अधिवक्ता की भी भावनाएं उससे जुड़ी हैं जी। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए हम ये चाह रहे थे कि माननीय उच्च न्यायालय को अपना शिफ्ट किया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय को कल कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर में मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ, नैनीताल को क्या सौगात मिलेगी? क्योंकि देखिए, टूरिस्ट प्लेस है जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे पहले मिनी सचिवालय था और वो भी बने, और उच्च ये हमारी जो लॉ कॉलेज है उसका वो बने, और हमारे बच्चे यहाँ से दिल्ली जाते हैं हाई स्टडी के लिए जी। अभी आपने देखा यूक्रेन में हमारे कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए शिक्षा करने गए थे, वहाँ फंस गए थे उत्तराखंड के बच्चे, नैनीताल के बच्चे भी जी। हम चाहते हैं कि हमें कुछ तो सौगात मिले अगर माननीय उच्च न्यायालय को वहां से हटा रहे हो। पहले तो मैं उच्च न्यायालय रहना चाहिए, अगर उच्च न्यायालय को हटाया जा रहा है उसको क्या मिले, और हमारी जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए पार्किंग बने, जो हमारा रूसी बाईपास है वहाँ मल्टीनेशनल वो बने पार्किंग। लेकिन सरिता जी, ये तो सरकार आपकी है, आप लोगों ने तय करना है, क्या जब ये प्रस्ताव आया था आपसे सलाह मशवरा किया गया था? नहीं किया गया था, किसी से नहीं किया, सब जनता बहुत, इसीलिए तो हम कह रहे हैं जनता से एक होता है ना कि हम इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं, क्या होगा कैसा होगा, कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया है। तो जनता भी नाराज है, कुछ लॉयर नाराज है, हमारे लॉयरों ने तो जुलूस भी निकाला था। मैं चाह रही थी कि पटवा डांगण में काफी जगह हमारी खाली थी तो वहां उच्च न्यायालय को शिफ्ट किया जाता तो हमारा एक ये होता कि हाँ नैनीताल में उच्च न्यायालय है जी। हम भी रॉक कहते हैं कि हमारे यहाँ हाईकोर्ट है जी। नहीं, वो तो हाँ। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप नैनीताल की अभिभावक हैं, तो अभिभावक को बिना कॉन्फिडेंस में लिए ही अगर ये धामी सरकार ने, आप ही की सरकार है, ये बड़ा कदम उठाया। देखिए, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो आते हैं लोगों को परेशानी होती है, पार्किंग नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है हल्द्वानी, आने मैं भी मानती हूँ क्योंकि यहाँ परेशानी है जी, पार्किंग नहीं है, दूसरा क्या है टूरिस्ट है, नैनीताल सिर्फ लोअर माल रोड, अपर माल रोड और यही है, हम अलग से एक्स्ट्रा रोड भी नहीं बना सकते हैं जी। तो हमको पार्किंग की दिक्कत तो है ही है जी। अभी एक पार्किंग हमारी बनी नारायण नगर में जी, वहां पर हम लोगों का अच्छा सा पार्किंग बना, वहां पे भी नगर पालिका ने एक वो टंचिंग ग्राउंड बनवा दिया, उसका भी विरोध हो रहा है हमारा माननीय स्थानीय जो हमारे नारायण नगर के लोग हैं जी। पार्किंग हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है, एक फ्लैट है ले देके हमारा डीएफए मैदान जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे लोकल एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं, बच्चों के फुटबॉल है, क्रिकेट है, कई एक्टिविटीज हमारी लोकल चलती रहती है, लेकिन पार्किंग भी है उसी में। तो हम ये चाहते हैं कि रूसी बाईपास में हमारा, मैं दूंगी अब एक प्रस्ताव कि वहां पे मल्टीनेशनल पार्किंग बने, और हमारी नारायण नगर से उधर से जो आते हैं कालाढूंगी से वो उधर
रहें, और लोकल हमारी जो टैक्सी है उससे हमारे जो आने वाले पर्यटक हैं जी. वो उससे जाएं. और एक माननीय जब चुनाव हो रहा था भैया 2022 का जी. तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा थी कि जो हमारा रानीबाग वहां से रोप वे बने नैनीताल के जी. सरिता जी सबसे सरिता जी नैनीताल की जनता से कभी मैं मिलता हूँ जब रूबरू होता हूँ तो नैनीताल की जनता ये कहती है कि जो पिछले 6 सालों में जो कार्य नहीं हुआ वो आपके यानी कि सरिता आर्य के विधायक बनने से 6 महीने में वो कार्य हो गए हैं. बड़ा तेजी से गति चल रही है कार्यों को और सरिता जी के नेतृत्व में काम बहुत ज्यादा हो रहा है. लेकिन ऐसे में क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कहा मेरे को अच्छा लगा जी जी. तो क्या ऐसे में नैनीताल की अभिभावक हैं आप, वहाँ के मुखिया हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये कदम उठाना सरकार की, क्या आपकी नाराजगी कहूँ मैं इसको या फिर आपको किस प्रकार से? मैं कल सचिवालय में थी, कई पत्रकारों ने मुझे घेरा जी. कि मैडम आपकी प्रक्रिया क्या है जी. मैंने कहा मैं वहाँ की अभिभावक हूँ, मैं उनकी जनता की भावनाओं से भी जुड़ी हुई हूँ, जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उन्हीं के वोट से मैं विधायक बनी हूँ जी. तो जनता की भावनाओं के साथ हूँ भैया मैं, क्योंकि ऐसा है कल कैबिनेट का जो निर्णय आया हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी है निर्णय आएगा जी. लेकिन कल निर्णय आया तो क्योंकि आपकी जी आपकी काम की जो सराहना मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कोई और कर रहा है, ये आपकी जनता सराहना कर रही है. सरिता जी ने जो कार्य कर लिए है, धन्यवाद धन्यवाद भैया. मैं जनता की भावनाओं से जुड़ी हूँ, जनता से मैं हमेशा मिलती जुलती हूँ, तो मैं जनता की भावनाओं के साथ इस समय हूँ, क्योंकि जनता की भावनाओं ने देखे मुझे जनता ने ही यहाँ तक पहुँचाया जी. लेकिन लेकिन मैं भावनाओं के साथ हूँ भैया जी. और मैं कल कैबिनेट के जो निर्णय आया उसमें मैं भी बहुत दुखी. अच्छा, तो कुल मिला के क्या आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव होगा अब धामी जी को, आप क्या प्रस्ताव? ये है कि जनता देखे, जनता जनार्दन है, वो तो मुझे वहाँ से बहुत पूछ रही है. कईयों के टेलीफोन की दीदी तुम देहरादून गई हो क्या, इसीलिए गई हो ये माननीय उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने के लिए? मैंने कहा भैया मेरी तो बैठक थी अनुसूचित जाति जनजाति विधानसभा की समिति में, मैं सदस्य हूँ, उस मीटिंग के लिए गई थी. तो मैंने कहा मेरा तो ऐसी कोई भावना नहीं है, मैंने तो आने से पहले बयान भी दिया था कि माननीय उच्च न्यायालय को पटवादांगड़ में शिफ्ट किया जाए. आने वाले समय पर कोर्ट के बाहर जो चाय वाले या फिर पान वाले बहुत सारे रोजगार होते हैं, छोटे ढाबे वाले, व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है. हमारे जितने भी माननीय उच्च न्यायालय में जितने लॉयर्स हैं, बल्कि हमारे इलाहाबाद के लॉयर्स तक वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो बड़े बड़े माननीय सुप्रीम कोर्ट से वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कईयों की वहाँ डेट्स लगती है, तो उसमें बिजनेस बढ़ता है. देखिए होटल में रहते हैं वो लोग, कईयों ने घर बना लिए हैं, तो सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है. तो लोग तो दुखी है ही है भैया, साथ में मैं भी, क्योंकि मैं वहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे को भी बहुत दुख है. आपको दुख है, लेकिन हल्द्वानी शिफ्ट होने से सरकार का ये कहना था कि हल्द्वानी शिफ्ट तो हो रहा है, उनका बिल्कुल ठीक कहना है, क्योंकि नैनीताल में पर्यटन सीजन में पर्यटक जब आते हैं जाम लग जाता है जी जी. तो उसमें हमारे माननीय उच्च न्यायालय के जितने भी हमारे वो हैं वो भी उसमें फंस जाते हैं. उस समय हम लोग अपने आप को असहाय का महसूस करते हैं कि देखिए सब लोग वो लाइन में लगे हैं और इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि पर्यटक नगरी है. तो कुल मिलाकर जी अपने आप को असहाय सा महसूस करते हैं. उस दृष्टिकोण को देखते हुए शायद ये माननीय उच्च न्यायालय को शिफ्ट किया गया होगा कि उनके जो अधिकारी हैं, जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के जजेज हैं, उनको परेशानी ना हो, क्योंकि वो इस तरह के जाम में ना फंसे, उनको दिक्कत ना हो, इस दृष्टिकोण को देखते हुए शायद माननीय उच्च न्यायालय हल्द्वानी शिफ्ट किया हो गया होगा. लेकिन हमारी भावनाओं को भी तो देखे ना. एक पहलू ये भी कहा जाता है कि सरिता जी, एक पहलू ये भी कहा जाता है कि नैनीताल जो भी लोग अपना केस लेकर आते हैं कॉस्टली बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली है वहाँ पर, होटल पर में पहुँचना रुकना खाना पीना कॉस्टली है और ट्रैवलिंग करने में बहुत ज्यादा समय लगता है. हल्द्वानी प्लेन एरिया है, जल्दी आदमी पहुँच जाएगा, वहाँ सुविधा है, इस वजह से भी किया जा रहा है, ये कई लोगों का कहना है. इस पर क्या कहना? दृष्टिकोण देखे होंगे सरकार ने जी. तो सरकार का अपना दृष्टिकोण भी मैं मानती हूँ कि सही है एक मायने से, क्योंकि जो हमारे जजेज हैं देखिए रिस्पेक्टेड हैं जी. तो
उनको परेशानी ना हो और हमारे जितने भी बाहर से लोग आते हैं उनको पर कई दृष्टिकोण देखा होगा सरकार ने, लेकिन जो लोकल जनभावनाएं हैं, हमारे लॉयर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो हमारे छोटे छोटे वहाँ माननीय उच्च न्यायालय में काम करते हैं लॉयर्स के साथ, वो और कई किसी के घरों में काम करते हैं, उनकी जनभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक सेटल हो गया था हमारा नैनीताल जी, तो उन भावनाओं को भी मैं कदर करती हूँ। और मैं इसकी मतलब ये है कि कुछ प्रक्रियाएं सरकार अगर पहले दे देती तो जनता के उसमें ये कहीं कई इसमें वो आ जाते, पहलू आते और कई इसमें वो सुझाव आते। नहीं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि पहाड़ों से सारी चीजें प्लेन की तरफ जा रही है? हमको लग रहा है, देखिए पहले हमारे यहाँ मिनी सचिवालय था जब उत्तर प्रदेश का दौर था जी, ग्रीष्मकालीन हमारे यहाँ मिनी सचिवालय था जी, तो बड़ी चहल पहल होती थी। उसके बाद हमारे यहाँ जो आज माननीय उच्च न्यायालय जहाँ पे है वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी सीडीओ रहे हैं, तो वहाँ पे वो था हमारा विकास भवन जी, तो विकास भवन भी हमारा भीमताल शिफ्ट हो गया जी। तो नैनीताल में बचा क्या है बताइए, कुछ कोर्टें शिफ्ट कर दी, लोअर कोर्ट की हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है, तो नैनीताल में बचेगा क्या? तो सरकार तो कह रही टूरिज्म प्लेस है, इसको और ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा, इसको टूरिस्ट हब बनाया जाएगा, ऐसा सरकार का टूरिस्ट हब। आप देखते हैं कि हमें क्या सौगात मिलेगी, ये भी मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ कि नैनीताल को क्या सौगात मिलेगी, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए माननीय उच्च न्यायालय के जो भवन बने हुए हैं वो है माननीय जो हमारा जहाँ पे आज उच्च हाईकोर्ट स्थापित है वहाँ बहुत अच्छा उसका स्ट्रक्चर है, वो बिल्डिंग अपने आप में ऐतिहासिक है जी, बिल्कुल ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये जी, जी बिल्कुल ऐतिहासिक बिल्डिंग है। कुल मिला के ये कहा जाता है कि आप इस फैसले से नाखुश नजर आ रही हैं, क्या आने वाले समय पर आप जब भी धामी सरकार से मिलेंगी, यानी कि आप ही की सरकार है, तो आपकी क्या मांग रहेगी कि इसको रोल बैक करने की मांग रहेगी? आप हमारा उच्च न्यायालय शिफ्ट कर रहे हैं, हमें क्या सौगात मिलेगी जी, तो आप इसके बदले क्या सौगात मिलेगी ये कहना चाह रही हैं? चाहती हूँ कि वहाँ पे मिनी सचिवालय खुले जी, और हमारे बच्चे यहाँ से दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में बाहर जाते हैं पढ़ने, उनके लिए कुछ ऐसा वहाँ पे एजुकेशन हब बने कि हमारे बच्चे वहीं पे ट्रेनिंग करें और वहीं पे उन वो लें, क्योंकि हमारे बच्चे कोचिंग के लिए दिल्ली और बाहर जाते हैं जी। तो बने मिनी सचिवालय बने, और एक माननीय उच्च न्यायालय का ही था कि यहाँ पे उच्च न्यायालय की वो बने। सरिता जी, जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, ये बिल्डिंग है जो अंग्रेजों की बनाई हुई जो बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग का क्या होगा, इसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा सरकार की तरफ से, आपको क्या लगता है कि इसको मैं लिख के देके आ रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मैं पूछ रही हूँ कि हमें क्या मिलेगा इसके बदले अब जी। जी सरता जी, सरता जी आपने बहुत कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप कहीं नाखुश है जी, नाखुश है आप, लेकिन आप जनता के दिलों में राज करती हैं और बहुत ज्यादा प्यार करती है नैनीताल की जनता आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, उन्हीं की वजह से आज मैं विधायक बनी हूँ दोबारा भैया, उनका प्यार हमेशा बना रहे, वो सदैव उनकी भावनाओं के साथ हूँ, वो तो सदैव है आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप सरकार से आप जनता के लिए लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं लड़ रही हैं आप सरकार से जनता के लिए, तो ये नैनीताल की जनता बखूबी जान रही है, समझ रही है, और आने वाले समय पर भी आपको आशीर्वाद प्यार नैनीताल की जनता आपको देती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरता जी आपका, धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए।